टमाटर, प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसुन, लहसुन नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता, छोली बारिश होती है तो छोरा पानी, समझ रहे हो? ज्यादा चोर आते हैं तो ज्यादा चोरी होती, थोड़े चोर आते हैं तो छोरी। कौन है ये लोग? चौंक बंद किया तो मैं क्या करूं? चार बच्चे नारे लान दे, एक पैर जुटी दा नवाज शरीफ कुटी दा। क्या बोला तूने? एक पैर जुटी दा नवाज शरीफ कुटी दा। म्यूजिक कौम इस तरह जिंदा नहीं रह सकती, कौम जिंदा रहती है वो लड़ती है, मरती है, मेहनत करती है, बयान काम करती है, आगे बढ़ती है। बिल्कुल कौम इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ने आपको पहाड़ भी दिए हैं, आपको वसाइल भी दिए हैं, खजाने भी दिए हैं, मादनी आपको वसीले दिए हैं, बेशुमार आपको अरबों खरबों के मादनी वसीले दिए हैं आपको, मगर उसके लिए हमने आज क्या किया, आज तक क्या किया? 35% रिकॉर्डिंग की मिसाल ले लें, रिकॉर्डिंग एक ढेले की वहां से तांबा नहीं निकला, एक ढेला के वहां से सोना निकला और अरबों खरबों पाकिस्तान तावान में अदा कर सकता। कभी कौमें इस तरह बनती हैं? फिर ये कहते हैं जनाब के हम मांग रहे हैं, और फिर 75 साल बाद भी अगर मांग रहे हैं तो फिर और क्या करते? ये अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है, ये सारा हमारा अपना अमल, हमारा अपना किया धरा है। मैं बताऊंगा आपको, किसी का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपने पांव पे दिन रात कुल्हाड़े चलाए हैं। बल्कि मैं बता रहा हूँ आप, इंटरव्यू तुम लोग है? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? शिवाजी राव। आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारी दुनिया उनसे परिचित है। सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये IMF रिपोर्ट, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाती। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, यहाँ बताइए वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉलमेंट कैंसिल क्यों की? जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 1 रुपया कम हो जाए तो वो हुकूमत और वजीर आजम चोर है। जस्ट लाइक आई डिड टू रोमन रेंस लास्ट वीक। Roman may have hatched the scheme, but now he's going to have to deal with Roman Reigns. I see a couple heavy hitters. Oh, bang! Bang! Superman punch by Reigns! Yeah, but Roman's already back on. Wow! नाठ सठ काठ बाठ टेंट चोट पैंट सठ कतर बत्तर तेतर चौहत्तर पंज छत्तर सठ अठत्तर उन्ताली चाली अस्सी इक्यासी बासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी संतालीस अड़तालीस पंजा पचास अस्सी नब्बे 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 अस्सी इक्यासी बासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी अठासी ਮੰਜਾ ਪੰਜਾ ਆ ਅੜਤਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਵਾਸੀ सही साहब, आजकल जो भी वीडियो मैसेज करते हैं या ऑडियो मैसेज करते हैं वो वॉशरूम में बैठ के अपनी वॉशरूम की टूटी चला के।
अरे कहना क्या चाहते हो, या कमोड चला के तो वहां से करते हैं ताकि उनकी लोकेशन जो है वो सामने ना आ जाए। क्या बोला तूने? लेकिन अब वो हर सर्कल में आ रहे, उनके बारे में ये पता चल गया कि कहाँ पे छुप। नहीं, मैं नहीं मानता। I'm sorry. कोई बात नहीं, जरा आगे से हट जाए, मैं जरा देख लूं लोगों को प्लीज। हम दो भाई हैं, हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, कोई दरवाजे से गुजरे तो गाली, बिल्कुल कोई रास्ते से गुजरे बिना मतलब के गाली दे। एक दिन मर गए, मरने के पहले हम दो भाई हैं तो हमको बुला के कहे कि देखो अब तुम ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, कुछ ऐसा करना कि गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम दोनों भाई सोच में पड़ गए कि जीवन भर इनने पूरे मोहल्ले वालों को गाली दिया है, हम क्या करें कि लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई लाठी लेके बैठते हैं दरवाजे पे, जो भी दरवाजे से गुजरता है दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं, पूरा गांव कहता है इससे अच्छा तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे। तब्दीली ये है, तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन, आटा 35 रुपए किलो, पेट्रोल 65 रुपए किलो, 65 रुपए किलो पेट्रोल, 65 रुपए किलो, 65 रुपए किलो। ये कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा न लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है या बंद हो गया है? नहीं, आप चल रहे हैं। अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है, 75 साल से उसको लाले पड़े होते हैं कि ईद आई है, बकरा बहुत महंगा हो गया, तो मैं तो खरीद नहीं सकता। कह रहा हूँ कि ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करने को आता है? मुझे आता है। तेरा नाम क्या है? शहबाज शरीफ। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। इसके ऊपर बाई से फखर है।